हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गिरिधर की कुंडली या इसके क्वेश्चंस और आंसर्स देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसके प्रश्न और उत्तर के दो पार्ट्स अपलोड किए हुए हैं और यह आखिरी पार्ट है। अगली कुंडली है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीझिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरिधर कबीराय, बड़े इनकी याही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। पहला प्रश्न है, गिरिधर कबीराय ने सयानो काम किसे कहा है? उत्तर, गिरिधर कबीराय के सयानो काम से अभिप्राय है, नाव में पानी भर जाने पर पानी को दोनों हाथों से बाहर फेंकना चाहिए और घर में आवश्यकता से अधिक धन दौलत बढ़ जाने पर उसे दोनों हाथों से दान में देना चाहिए। अगला प्रश्न है, बड़ों का क्या उपदेश है? हमें अपनी चाल कैसी रखनी चाहिए तथा क्यों? उत्तर, बड़ों का यही उपदेश है कि धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, हमें उचित मार्ग पर चलना चाहिए और समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, उससे इज्जत प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, नाव में पानी और घर में धन बढ़ जाने पर हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए? उत्तर, यदि नाव में पानी भरने लगे तो नाव के डूबने का खतरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में नाव के पानी को दोनों हाथों से बाहर फेंकना चाहिए। घर में यदि धन अधिक हो गया हो तो आवश्यकता से अधिक धन दान कर देना चाहिए। ये आखिरी कुंडली है, राजा के दरबार में जैसे समय आ पाए, साईं तहां न बैठिए, जहां को दे उठाए, जहां को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे ते कहिए। कह गिरिधर कबीराय, समय सो कीजो काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखे हैं राजा। इस कुंडली पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है, राजा के दरबार में कब जाना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए और क्यों? उत्तर, राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए। हमें एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी हैसियत देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए और कभी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो हमारे स्तर के अनुकूल न हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठने से हमें कोई भी वहां से उठा सकता है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने दरबार में कब बोलने और कब न बोलने की सलाह दी है? उत्तर, कवि ने कहा है कि राजा के दरबार में हमें चुप ही रहना चाहिए, बोलते समय भी संयम बरतना चाहिए, जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी उसका उत्तर देना चाहिए। हंसिए नहीं हहाए का क्या अर्थ है? उत्तर, हंसते समय भी हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है, हमें कभी अशिष्टतावश ठहाका लगाकर नहीं हंसना चाहिए, ठहाका लगाकर हंसना अशिष्टता का प्रतीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है, उपर्युक्त कुंडलियों से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, उपर्युक्त कुंडलियों में गिरिधर कबीराय ने हमें कुछ नीतिगत तथा लोक व्यवहार से संबंधित बातों की सीख दी है, जैसे राजा के दरबार में समय पाकर जाना चाहिए, ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहां किसी के द्वारा उठा दिए जाने की आशंका न हो, अशिष्टतावश ठहाका लगाकर नहीं हंसना चाहिए तथा
प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए। कवि का संकेत है कि हमें राजदरबार के नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात अठन्नी के इस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे।